जिंदगी में जब तक अड़चने नहीं आती है ना, तब तक वो चीजें मजा नहीं आता। मैं भी बहुत सपने सजाया हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत की मैंने। -8 डिग्री में, 45 डिग्री में, गर्मी और जाड़ दोनों में मैंने शूट किए। आप उसको नहीं काट रहे हो, बल्कि हमारे हिम्मत को काट रहे हो, ऊर्जा को काट रहे हो। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की अड़चने थी, क्यों इतना वक्त लगा इस फिल्म को रिलीज करने? देखिए, जिंदगी में जब तक अड़चने नहीं आती है ना, तब तक वो चीजें मजा नहीं आता है। तो जिंदगी में कभी कभी अड़चने भी बहुत जरूरी होती है आपको बड़ा बनाने के लिए। और कोई भी दुनिया का कष्ट, कोई भी दुनिया का दर्द आपको डॉक्टर बना देता है, क्योंकि आप उस दवा के बारे में जान जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं कहीं ना कहीं ये ऐसा दर्द था कि बहुत लोगों को दर्द देने वाला था ये। तो ठीक है, अड़चने तो आती है, जब आदमी कामयाब होता है तो पत्थरे तो रोड़ा तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है। और कोई भी रोड में, रोड को बनने के लिए रोड़ा बहुत जरूरी होता है। तो जब आप हाईवे बनते हैं ना, तो प्रॉब्लम आती है। और वही प्रॉब्लम रंदे बसंती के साथ, क्योंकि भोजपुरी में इससे बड़ी कोई फिल्म बनी आज तक तो नहीं बनी थी। इसके बाद बनेगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट मैं चाहता हूं कि ये 7 जून को रिलीज हो रही है। तो एनआई के दर्शक जितने भी हैं, जो भी देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको दिल से प्रणाम कि आप एक बार जरूर हमारे भाषा के लिए, अपने भाषा के लिए इस सिनेमा को जरूर देखिए। अगर ऐसे सिनेमा को आप प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर से हिम्मत कर पाएंगे। और ये सिनेमा सिर्फ बिहार, यूपी, झारखंड ही नहीं, बल्कि हर जगह, हर स्टेट में, हर राज्य में, ये मल्टीप्लेक्स में भी सिनेमा रिलीज हो रही है। और कल परसों से इसका ट्रेलर चलना शुरू हो जाएगा, ये आपके बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। तो और जो भी हिंदी फिल्म अभी रिलीज होगी, सबके साथ रिलीज। तो आप, सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड ने क्या कुछ कमियां पाई थी कि इस पर रोक लगाई थी? देखिए, कमियां तो हमारे रोशन सर से पूछिएगा, क्योंकि सेंसर कराने के लिए वही लोग गए थे। मैं तो बाहर शूट कर रहा था एक सिनेमा डंस की, तो मुझे पता चला तो दुख हुआ, क्योंकि 22 मार्च को ये सिनेमा रिलीज होने वाली थी। और अचानक से जब इन्होंने बताया तो दिल टूट गया, क्योंकि मैं भी बहुत सपने सजाया हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत की मैंने। -8 डिग्री में, 45 डिग्री में, गर्मी और जाड़ दोनों में मैंने शूट किए। अयोध्या में हिंदुत्व पे सिनेमा बनाया था हम लोगों ने। और अर्चने जब इन्होंने बताया कि भाई त्रिशूल हटा दो, ये जनेव हटा दो, ये भगवा हटा दो, आप मंदिर में फाइट नहीं कर सकते, आप किसी मुस्लिम धर्म को वहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते, तो मान के चले कि कोई भी आदमी अगर वो आतंकवादी है, तो हमारे धर्म को तो नीचा ही दिखाने की कोशिश करेगा। अब हीरो का काम है उसको बचाना। तो वही सब चीज़ें जब हट जाएगी, तो फिर हम सिनेमा में रखेंगे क्या? और उस सीक्वेंस को शूट करने में कम से कम 9 दिन लगा था। अब सोचिए कि 9 दिन में कम से कम 65 से 70 लाख रुपए सिर्फ उस सीक्वेंस को शूट करने में लगा था सर। और 1 मिनट के अंदर आप बोलते हैं कि पूरी चंक हटाइए, ऐसे हटाइए, वही हटाइए, वो हटाइए। तो जब हम मेन चीज ही हटा देंगे, तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या? लेकिन ये साधुवाद के लायक है हमारे रोशन भैया, जिन्होंने जो अड़े रहे कि नहीं भाई, मैं बनाया हूँ बहुत शिद्दत से सिनेमा, भले इसके लिए मुझे 1 साल भी क्यों ना लग जाए, बट मैं उसी टाइटल के साथ और उसी कट के साथ मैं रिलीज करूंगा, विदाउट कट के साथ रिलीज करूंगा। क्योंकि मैंने सारी सीक्वेंस शूट करने में मेरे पैसे लगे हैं, मेरे मेहनत लगे हैं, मेरे क्रू मेंबर का योगदान लगा है, सबका ऊर्जा लगा है। और आप उसको नहीं काट रहे हो, बल्कि हमारे हिम्मत को काट रहे हो, ऊर्जा को काट रहे हो। तो ये साधुवाद है कि इन्होंने पेशेंस रखा, और इतने पैसे लगाने के बाद भी पेशेंस बहुत कम लोगों को।